हार्ड इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूं वरुण पटेल इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रिफिकल पंप के टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं बेसिकली इस वीडियो में हम सेंट्रिफिकल पंप का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में जानेंगे वो जानने से हमको डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रिफिकल पम्प के बारे में ईजिली पता चल जाएगा इस वीडियो में मैंने जो सेंट्रिफिकल पम्प्स है वो जो क्लासीफिकेशन है उसके टाइप्स जैसे कि फ्लोर टाइप्स नंबर ऑफ स्टेजेस डिज़ाइन कोड टाइप ऑफ वॉल्यूट नंबर ऑफ सेक्शन impeller पोजिशन केस डिज़ाइन एंड shaft पोजिशन तो इसके बेसिस पे साइंटिफिकल फॉर्म कौन कौन से टाइप के होते हैं वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो देखते ही रहिए ये वीडियो लास्ट तक अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं बाई जस्ट क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन जो कि आपकी स्क्रीन की राइट एंड साइड पर होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सैंटिफिकल पंप को क्लासिफाई करने से पहले मैं आपको इन जनरल जो पंप का क्लासिफिकेशन कैसे वो बता देता हूँ यहाँ पे देखिए जो पंप है वो बेसिकली टू कैटेगरी में आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं फर्स्ट है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरा है रोटरी पंप अभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में आपका पिस्टन टाइप एंड डायाक्राम टाइप पंप आएगी और रोटरी में आपको उसको फर्दर क्लासीफाइड हो जाए फिक्स वॉल्यूम एंड सैंटिफिकल पंप अभी फिक्स वॉल्यूम क्या होता है कि आपका इनलेट कितना भी हो बट आपका जो पंप का आउटलेट है वो पंप की कैपेसिटी उसका जितना वॉल्यूम हैंडल कर सकता है उतना ही हैंडल करेगा तो उसमें जो जो पंप आते हैं वो है स्क्रू टाइप लोप टाइप एंड गियर टाइप ये सारे के सारे पंप हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बट अभी इस वीडियो में हम सेंटिफिकल पंप के क्लासिफिकेशन और उसके टाइप्स के बारे में जानते हैं अभी यहाँ पे देखिए ये सेंट्रफिकल पंप का इन जनरल जो क्लासिफिकेशन है बहुत सारे टाइप से आप कर सकते हैं मतलब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सेंट्रफिकल पंप का सिलेक्शन होता है तो रिक्वायरमेंट चेंज टाइप ऑफ पंप भी चेंज हो जाता है मतलब रिफाइनर में क्या प्रोसेस पैरामीटर्स है पेट्रोमिक प्लांट में क्या प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो सब के हिसाब से क्या कंडीशन है संप में इंस्टॉल करना है या तो कौन सी पोजिशन में इंस्टॉल करना है उसके बेसिस पे सेंट्रविकल पंप सिलेक्ट होता है तो जो सबसे पहली जो आप टाइप है सेंट्रल पंप का वो है फ्लो टाइप अभी विद इन फ्लो टाइप एक्सीयल रेडियल एंड मिक्स फ्लो ये तीन टाइप के फ्लो है इस सारी कैटेगरी के, के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो यहाँ पे जस्ट हम ओवरऑल देख लेते हैं तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो फ्लो टाइप है देन नंबर ऑफ स्टेजेस है जिसमें सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज पंप आते हैं उसके बाद डिजाइन कोड है पंप कौन सी डिज़ाइन से डिज़ाइन किया हुआ है कौन सा कोड यूज़ करके डिज़ाइन किया हुआ है उसके बेसिस पे उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है सेकेंड उसके बाद है टाइप ऑफ वॉल्यूट नंबर ऑफ सेक्शन क्या होता है सिंगल सेक्शन है डबल सेक्शन इंपिलर पोजिशन ओवर हैंग है बिटवीन बैरिंग है किस डिजाइन जैसे एक्सल स्प्लिट हो गया रेडियल स्प्लिट हो गया सॉफ्ट पोजिशन ये सब जैसे जैसे चेंज होता है टाइप ऑफ पम्प चेंज हो जाता है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो कि क्लासिफिकेशन है फ्लो टाइप अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फ्लो टाइप तो इसमें तीन कैटेगरी आती है पहले रेडियल फ्लो एक्सियल फ्लो एंड मिक्स फ्लो अभी मैं रेडियल फ्लो बताता हूँ आपको देखिए ये पंप का सक्शन है ठीक है अब यहाँ से फ्लूड आएगा और यहाँ से एग्जिट होगा तो ये जो इंपिलर है उसकी रेडियल डायरेक्शन है तो यहाँ से फ्लूड एग्जिट होता है इसके लिए इसको रेडियल फ्लो पंप बोलते हैं अभी एक्सील फ्लो में कैसा होता है देखिए ये आपको टर्बाइन जैसा लगेगा प्रोपेलेंट जैसा तो यहाँ पे जो फ्लो कर और सक्शन और डिस्चार्ज है वो जो शाफ्ट है ये पंप की शाफ्ट है ठीक है उसी एक्सियल डायरेक्शन में ही हो रहा है यहाँ से सक्शन हो रहा है और यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है मतलब तो ये डायरेक्शन में ही फ्लूड मूव हो रहा है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है ये अपना जो शाफ्ट है और फ्लूड का जो एग्जिट है वो नाइन्टी डिग्री पे है तो ये रेडियल फ्लो है और ये एक्सियल फ्लो है अभी रेडियल फ्लो पम्प कहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपको पम्प का जो फ्लूड जो फ्लूड को पम्प करे उसका प्रेशर बढ़ाना है तो आप रेडियल फ्लो पम्प यूज़ करते हैं इसमें इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसमें आप वॉल्यूम हैंडल नहीं कर सकते मतलब बहुत सारा वॉल्यूम आपको रिमूव करना है कुछ करना है पंप करना है तो आप रेडियल फ्लो पंप यूज़ नहीं कर सकते हो उसके लिए आपको एक्सेल फ्लो पंप यूज़ करना पड़ता है जैसे डी वॉटरिंग करना होता है जहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पर मोस्टली एक्सेल फ्लो पम्प ही यूज़ होते हैं और ये है मिक्स फ्लो अभी मिक्स फ्लो कैसा है कि ये दोनों का आपको एडवांटेज लेने के लिए दोनों डिज़ाइन का मिक्स फ्लो पम्प है यहाँ पे आपका जो फ्लूड का मूवमेंट होता है देखिए ये जो फर्स्ट स्टेज आप यहाँ पे जो फ्लूड एंटर हो रहा है और मूव रेडियली हो रहा है बट यहाँ से एंटर होके ये, ये इसका जो इम्पिलर्स है ये देखिए इम्पिलर्स तो दोनों साइड से फ्लूड होते हुए इधर जाता है तो मिक्स फ्लो में आपको रेडियल का भी मतलब मिल आपको बेनिफिट मिलता है और साथ में आप उसका प्रेशर भी थोड़ा बहुत बिल्टअप कर सकते हो थोड़ी दूर तक मतलब उसका डिस्टेंस या प्रेशर बढ़ाते हो तो यूजुअली क्या होता है क्या तो आप हाइट पे फ्लूड भेज सकते हो या तो काफ़ी डिस्टेंस तक फ्लूड भेज सकते हो इसका जो फंक्शन है पंप का नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नंबर ऑफ स्टेजेस अभी स्टेजेस क्या होता है तो कितने इम्पिलर हैं पंप में जितने इम्पिलर उतने स्टेज हो जाते हैं तो ये जो सिंगल स्टेज पंप है यहाँ पे एक ही इम्पिलर है तो जो पंप आपका फ्लूड आएगा एक से जितना प्रेशर बूस्ट होगा वो इधर से एग्जिस्ट हो जाएगा अब मल्टी स्टेज पंप में क्या होता है देखिए फर्स्ट स्टेज यहाँ से आपका फ्लूड एंटर हुआ यहाँ पे उसका प्रेशर बढ़ेगा देन इट विल गो टू सेकेंड स्टेज यहाँ पे उसका प्रेशर और बढ़ेगा सिमिलरली ईच स्टेज पे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा तो जहाँ पे आपको वेरी हाई प्रेशर चाहिए वहाँ पे आप मल्टी स्टेज पंप यूज करते हो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है डिज़ाइन कोड की अभी जो रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल प्लांट पावर प्लांट कोई भी जगह पे जो भी पंप होते हैं वो सारे किसी ना किसी स्टैंडर्ड से डिज़ाइन होते हैं तो उसमें जो मेजोरिटी जो हमेशा यूज होने वाले आप ऑलमोस्ट सारी जगह पर देखेंगे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड है ए पी आई सिक्स वन ज़ीरो ए पी आई सिक्स टेन तो ये जो स्टैंडर्ड है वो सेंट्रिफल पम्प जो भी पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं उसकी डिज़ाइन से ही यूज़ होते हैं और मेजोरिटी रिफाइनरी में आप जाओगे तो आपको जो पंप की डिज़ाइन होगी वो सिक्स टेन के हिसाब से मिलेगी उसको छोड़ के आई एस ओ स्टैंडर्ड है टू एट फाइव एट एंड आई एस ओ फाइव वन नाइन नाइन ये दोनों स्टैंडर्ड से भी आपको कोई कोई जगह पे पंप डिज़ाइन मिलेगी अगर आपको पंप के बारे में डिटेल में जाना है मतलब उसका प्रिंसिपल ऑपरेशन डिजाइन क्राइटेरिया उसकी फ्लो चार्ट्स एवरीथिंग तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे कोर्स अवेलेबल है सेवन आवर्स का वीडियोस है उसमें कोर्स की प्राइस है ट्वेंटी फोर डॉलर आप मेरी वेबसाइट विजिट करें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है वॉल्यूट के बेसिस पे अभी वॉल्यूट क्या होता है ये देखिए यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ये इसको वॉल्यूट बोलते हैं केसिंग पार्ट ऑफ द के वॉल्यूट मतलब पार्ट ऑफ द केसिंग है ये पूरा केसिंग है उसमें जो डिज़ाइन है उसको वॉल्यूट बोलते हैं ये है सिंगल वॉल्यूट मतलब ये पूरा एक ही पार्ट है मतलब जो इम्पिलर से आपका फ्लूड एग्जिट होगा वो यहाँ से होते हुए एग्जिट कर जाएगा और ये है डबल वॉल्यूट अभी इसमें और इसमें फ़र्क देखिए यहाँ पे एक पार्टीशन है ये यहाँ पे देखिए दो ये एक पार्टीशन है ठीक है तो जो यहाँ से इम्पिलर से फ्लूड एग्जिट होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा मतलब ये इतने पोर्शन का जो फ्लूड है वो यहाँ से एग्जिट होगा और यहाँ से जो ये पोर्शन का है इस वॉलेट से जाएगा ये विद इन सिंगल केस के अंदर ये दो आपको पार्टीशन है तो इसको डबल वॉलेट बोलते हैं अभी ये सब करने की क्या जरूरत है तो यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट दिखाया हुआ है जो ये जब प्रेशर डिस्चार्ज होता है तो उसके रेडियल फोर्सेस होते हैं ये देखिए ये बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट है ठीक है यहाँ पे इनिशियली आपका देखिए ये प्रेशर रिड्यूस होता जाता है और जैसे उसके बाद बढ़ बढ़ जाता है तो सिंगल वॉलेट में क्या होता है कि अगर आपको बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट पता है मतलब आपका पंप जो है इसी एरिया में रन करने वाला है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई इस केसिंग पे आपको प्रेशर नहीं आएगा बट अगर आप यहाँ पर पंप रन करते हो इस एरिया में पम्प रन करते हो तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द के पंप केस एंड उसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं तो नॉर्मली रिफाइनर में जो डिज़ाइन प्लांट है उसमें ये केस नहीं होता है मतलब ये इशू नहीं होता है तो इसके लिए नॉर्मली सिंगल वॉलेट पम्प वहाँ पर यूज़ होते हैं बट अभी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको पंप लेके जाना है बट आपको पता नहीं है मतलब डी वॉटरिंग का केसेस होता है बहुत सारी ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे आपको पता नहीं कि पंप आपका सक्शन प्रेशर क्या मिलेगा और उसका क्या से पैरामीटर्स है तो उस केस में आप डबल वॉलेट यूज़ करते हो उसमें क्या होता है देखिए अब ऑलमोस्ट ये जो प्रेशर कव है जो स्ट्रेस का कव है रेडियल फोर्सेस का ऑलमोस्ट फ्लैट है तो आप किधर भी कोई भी पोजिशन मतलब डिज़ाइन क्राइटेरिया में पंप को चलाओ वो नॉर्मल उसको स्ट्रेस उतना केसिंग पे नहीं आएगा तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल वॉलिट एंड डबल वॉलिट जो नेक्स्ट है डिज़ाइन क्लासिफिकेशन जो पंप का होता है वो केस के डिज़ाइन के मतलब केस मतलब जो ये आउटर बॉडी है कास्टिंग होता है नॉर्मली या तो फोर्जिंग होता है केस डिज़ाइन के बेसिस पे ये दो डिज़ाइन होते हैं इसमें रेडियल स्प्लिट एंड एक्सेल स्प्लिट रेडियल स्प्लिट क्या तो आपको मैंने बताया था जो इम्पिलर है ये इम्पिलर है ठीक है ये अपना शाफ्ट है तो अगर पंप का ओपनिंग यहाँ से वर्टिकली है ठीक है मतलब ये दो पार्ट को सेपरेट करके आप पंप को ओपन कर सकते हो तो रेडियल स्प्लिट बोलते हैं और जो पंप हॉरिजॉन्टली ओपन होता है मतलब ये शाफ्ट है शाफ्ट के पैरेलल ओपन होता है तो उसको एक्सेल स्प्लिट पंप बोलते हैं अभी प्रॉब्लम कैसा है कि ये जो पंप है ये यहाँ पे ये ओपन इस इस इसका रिक्वायरमेंट मतलब कैसा है कि आपकी क्या पोजीशन है कहाँ से आपको मेंटेनेंस इजी पड़ेगा उसके बेसिस पे ये डिजाइन सिलेक्ट होती है रेडियल स्प्लिट और एक्सेल स्प्लिट की तो इसमें बेसिकली ये क्राइटेरिया है ठीक है वर्टिकली ओपन और ये हॉरीजोंटली ओपन तो हॉरीजोंटली ओपन जो होता है उसको एक्सेल स्प्लिट बोलते हैं और जो वर्टिकली ओपन होता है पंप उसको रेडियल स्प्लिट बोलते हैं नेक्स्ट साफ्ट का पोजिशन कैसा है कि अगर पंप का शाफ्ट ओरिजोनटल ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट हो गया जो कि नॉर्मली मैक्सिमम पंप आपको यही देखने को मिलेगी प्रोसेस प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं और जहाँ पे पंप वर्टिकल शाफ्ट ये से जो पंप होते हैं मोस्टली वो संप में आप इंस्टॉल करते हुए देखोगे सबमर्शेबल पंप हो गया वो सब आप देखिए तो उसका जो शाफ्ट होता है वो वर्टिकल रहता है और वो संप में इंस्टॉल होता है तो ये वर्टिकल टाइप ऑफ पंप है और ये हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ शाफ्ट पंप है नेक्स्ट नंबर ऑफ सेक्शन सर्टिफिकल पंप में अभी आप देखिए यहाँ पे देख यहाँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिंगल सब में कहीं पे भी आपने दो सेक्शन फ्लैच नहीं देखी होगी ये सेक्शन फ्लैच है यहाँ पे भी एक सेक्शन एक डिस्चार्ज फ्लैच है यहाँ पे भी एक सेक्शन एक डिस्चार्ज फ्लैच है तो भैया यहाँ पे आप मैं अभी आपको बात यहाँ पे आपको डबल सेक्शन कहाँ से आ गया है तो पम्प जो डबल सेक्शन पम्प होता है उसमें फ्लैंच में इनलेट कितने उससे नहीं डिसाइड होता है बट इम्पिलर की डिज़ाइन पर डिपेंड होता है यहाँ पर देखिए सिंगल सेक्शन इम्पिलर है तो ये इम्पिलर आई बोलते हैं जहाँ से फ्लूड एंटर होता है उसको पंप की आई बोलते हैं यहाँ से फ्लूड एंटर होगा और ये एग्जिट हो जाएगा ये यहाँ पे डिज़ाइन में देखिए ये बैक साइड जो है पूरी फ्लैट डिस्क है यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं है मतलब इसके पीछे पूरा फ्लैट होगा सिर्फ आपको साफ्ट पास हो जाएगा उतना उसमें हॉल होगा और कुछ भी नहीं है वेरेज यहाँ पे देखिए ये डबल सेक्शन की डिज़ाइन तो आपका जो फ्लूड है यहाँ पे देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे दो इम्पिलर रेडियल एग्जिट है तो फ्लूड यहां से भी एंटर करेगा और यहां से भी एंटर करेगा सक्शन तो आपका एक ही होगा ठीक है यहां से आए फ्लूड मतलब जैसे इधर आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो एरिया में और यहां आधा फ्लूड यहां से जाएगा आधा फ्लूड यहां से जाएगा तो ये हो गया डबल सक्शन तो नंबर ऑफ फ्लैंजिस उससे डिसाइड नहीं होता नंबर ऑफ सक्शन इंपिलर में कितने होते हैं उसके बेसिस पे सिंगल सक्शन डबल सक्शन पंप का क्राइटेरिया पता चलता है जो इसके बाद वाली जो कैटेगरी है वो इम्पिलर की पोजिशन से अभी इम्पिलर की पोजिशन से मतलब क्या ये ओवर है और ये बिटवीन बैरिंग है उसका क्या मतलब हुआ ये देखिए यहाँ पे जो पंप इम्पिलर है उसका सपोर्ट ए की साइड है यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है ये उसकी वियर रिंग है बट इट विल जस्ट प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन इम्पिलर एंड जो पंप की बॉडी है उसके बीच में ये इम्पिलर है वो ओवर हेंगे मतलब एक एंड से उस पर कोई भी सपोर्ट नहीं है इसके लिए इसको ओवरंग बोलते हैं और यहाँ पे देखिए ये बिटवीन बैरिंग मतलब ये दो बैरिंग है ये बैरिंग है ये बैरिंग है तो सारे इम्पिलर है वो बिटवीन बैरिंग इंस्टॉल किए गए हुए इसके लिए इसको बिटवीन बैरिंग पंप बोलते हैं और इसको ओवरंग इम्पिलर पम्प बोलते हैं तो ये था सेंटिफिकल पम्प का क्लासिफिकेशन और टाइप मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड उससे क्या होगा कि वीडियो का रैंकिंग बढ़ेगा अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप अब भी मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि इससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरा ये वीडियो शेयर करना ना भूलें सी यू सुन गुड बाय टेक केयर